चौखंडी, बौद्ध चौखंडी है ये। ये सारनाथ का पार्किंग एरिया है भाई, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर कार वगैरह निकालते हो या फिर और कुछ निकालते हो तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। भाई सारनाथ का एक तरह से मंदिर बोलते हैं। अच्छा, मेरा नाम विनय पांडे है। जिस जगह पर आप आए हुए हैं इसको सारनाथ बोलते हैं। मतलब भाई गार्डन टाइप का ना तरीके से बना हुआ है। और ये गौतम बुद्ध भगवान। तो भाई वीआईपी आने वाला है, ठीक है। इसके वजह से लोग वो इतना जान कर रहे हैं। ये इंडिया का सबसे मतलब इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ना, कि जो वीआईपी आता है तो रोड साफ हो जाता है, मतलब साफ सफाई हो जाता है। लोग जो अगल बगल में ठेले का लगा के रखते हैं उसको लोग हटा देते हैं, ठीक है। अरे सिर्फ एक दिन का खेल होता है और सिर्फ उस एक आदमी के लिए, उस एक वीआईपी के लिए इतने सारे फसांग लोग करते हैं और इतने मतलब लोग परेशानी भी झेलते हैं इस एक इंसान के लिए। ये दिक्कत है इंडिया में। चौखंडी, बौद्ध चौखंडी है ये। ये चौखंडी स्तूप है, भारत सरकार चौखंडी स्तूप। ये सारनाथ का पार्किंग एरिया है भाई, ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर कार वगैरह निकालते हो या फिर और कुछ निकालते हो तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये भाई सारनाथ का एक तरह से मंदिर बोलते हैं, ठीक है। और एक गाइड साहब हैं जो पर हेड 100 रुपये लेते हैं और वो सारा बताते हैं कि मतलब कौन सा चीज़ें कैसे रह गए है ये सारी चीज़ें। अच्छा, मेरा नाम विनय पांडे है। जिस जगह पर आप आए हुए हैं इसको सारनाथ बोलते हैं। सार मतलब उपदेश होता है, नाथ मतलब भगवान। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 स्टूडेंट को उपदेश दिया, जिनका नाम था कुंडिनी, भप्पा, भद्दिया, असजीत, महानामा। बुद्ध मतलब ज्ञान होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, गया में ज्ञान बांटना चालू किया सारनाथ से। सारनाथ को बोधिज्म बर्थप्लेस बोलते हैं, बौद्ध धर्म की शुरुआत यही थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गया में ज्ञान मिला, उपदेश दिया सारनाथ में, बिहार को कुशीनगर में। बनारस में मेन दर्शन होता है काल भैरव का। काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, उनका दर्शन बहुत जरूरी है। और बनारस जो है, काशी जो है अपनी नगरी विश्व की सबसे पुरानी जगह है। हम लोग चलेंगे दिन। ये स्टार्ट कब हुआ था यहाँ पे? बोधिज्म बर्थ प्लेस है ये, आज के करीब 2300 साल पहले। 2300 साल पूरे? हाँ, 2600 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एग्जैक्ट कोई सन नहीं है, मतलब हम लोग जो बोलते हैं 563 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ओके भाई, स्टार्ट जो है ना यहीं से हुआ है, इसलिए सरनाथ बोलते हैं इसको, जैसे भाई साहब बोल रहे थे। जन्म नेपाल में हुआ, ये बताया था ना। ये पीछे ध्यान मुद्रा है, साइड साइड में उपदेश मुद्रा है, बीच में अभय मुद्रा। अभय मतलब होता है निर्भय, किसी का भय नहीं, किसी का भय। आपको फोटोग्राफ लेना हो तो ले लीजिए। आप लेना कोई जरूरी नहीं है, देखने का पसंद। नहीं नहीं नहीं, तब रामनगर जा 15 मिनट नहीं, 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ पे जूता खोल के, हाँ, बिल्ट बाई थाईलैंड, सिंगल पत्थर की मूर्ति है, थाईलैंड का मंदिर ये वाले जी। हाँ, 9.5 फुट मूर्ति की हाइट। चप्पल जूते सभी दे दी। Thank you.
भाई बना तो खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, और कैंपस भी बहुत बढ़िया है, मतलब चीज़ें सजा उजा के मतलब तरीके से रखा हुआ है, पेड़ पौधे फूल वगैरह, ठीक है, पीपल का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ भी है, और गौतम बुद्ध का मंदिर मैंने मतलब जो स्टैचू मैंने दिखाई दिए बहुत अच्छा बना हुआ, सोने जैसा लग रहा है। बताइए, ये 80 फीट 9 इंच का है और 843 पत्थर से ज्वाइन करके बनाया गया, 80 फीट 9 इंच पत्थर से ज्वाइन करके बनाया गया है। और ये मूर्ति जोधपुर स्टोन है। कहाँ पे? जोधपुर स्टोन, जोधपुर में। हाँ, ये वॉकिंग बुद्ध है, चलते हुए एक पैर आगे है। राइट, ओके, भाई देख क्या ये, मैं तुरंत आता हूँ। एक रथ मंगाया, एक रथ पे चल दिए, रथ में जाते समय ध्यान देंगे, जब कपिल वस्तु का जंगल पड़ा तो जगह पर उनका एक पेड़ में एक सुंदर सा एक ही फूल निकला हुआ था। तो ये चीज था भाई, और ये तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे खूबसूरत बना हुआ भाई। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। अशोक चक्र कहलाता है ना, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ है। तो बुद्धा और अशोक तो अलग अलग हुए ना, ये अशोक ही तो अशोक ही बुद्धा हुए ना, चक्रवर्ती सम्राट अशोक से वही बुद्ध बुद्ध धर्म को अपनाया था, उन्होंने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट करके। ये नेशनल एम्बलम में 4 लाइन कैप्टन जो दिल्ली में बना हुआ है अभी नया, ये कौन सा, ये जो अशोक स्तंभ है अपना रेप्लिका सारनाथ, दिल्ली में नया कहाँ पे बना हुआ है? दिल्ली में पलिया मेल के सामने बना हुआ है, मोदी जी ने बना हुआ है, अभी जो बना हुआ है। नहीं, एक तो अभी जो बना हुआ वो नेशनल वार मेमोरियल वाला जो वहाँ से उठा के साइड में कर दिया, पलिया मेल के सामने बना हुआ है ना अशोक का स्तंभ। हाँ हाँ, अशोक, अच्छा, पार्लियामेंट के सामने वो बना तो दिया, उसका नाम क्या दिया, शहीद स्थल। अच्छा, शहीद स्थल जो उसके जो मशाल जहाँ जलती रहती है। मतलब भाई गार्डन टाइप का ना तरीके से बना हुआ है, और ये गौतम बुद्ध भगवान कितना बढ़िया लग रहा भाई, अच्छा लग रहा है बना हुआ है। तो भाई पहले अब तो यहाँ ये जो है ना बनारस बनारसी जो साड़ी होता है यहाँ पे बनता है, ठीक है, और ये चाचा हैं वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ये चाचा थोड़ा सा बताइएगा चाचा कैसे बनाते हैं आप। देखिए बना रहे हैं, डिजाइन जो है इस काट से आ रहा है, इस मतलब डिजाइन से। हाँ, मतलब इसका जो साँचा है। हाँ, वो डिजाइन है। ओके, जितना उसमें होल है वो डिजाइन है। अच्छा, ये रेशम है, देखिए ये रेशम हो गया। हाँ, ओके, इसमें बहुत मेन मेन जो कीड़े से निकलता है ना वही होता है। और ये डिजाइन कैसे आ जाता है फिर यहाँ पे? ये डिजाइन फेंक रहे हैं ना, ये पत्ते से आता है। अच्छा, ये डिजाइन बार बार उठेगा, पैर से दबाते हैं। हाँ, ये डिजाइन बनते हैं। ओके, जितना हमें लाइन चाहिए उतना फेंकना पड़ेगा आपको? हाँ हाँ, और एक साड़ी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ये साड़ी तो 10 दिन लगता है सर। 10 दिन? हाँ, कोनो साड़ी 6 दिन 8 दिन का भी बनता है, वो डिजाइन पर फर्क पड़ता है कि मतलब डिजाइन पर कैसा डिजाइन है उस हिसाब से फिर ये होता है। तो बचपन से सीखे सर, यही काम है बचपन से ही। हाँ, इसमें बहुत कारीगरी का काम होता है ना, कैसे कारीगरी है वही ना, मैं बहुत मेहनत वाला काम हो गया। तो मतलब देखिए पैर से चलाना पड़ता है। तो भाई यहाँ पे काम काम खत्म, काम धाम जो भी है, अब चलते हैं वापस और थोड़ा सा घाट वगैरह देखते हैं और रात को निकलने की कोशिश करते हैं, अगर रात में निकल गए तो सही है,
नहीं तो कल सुबह सुबह निकलना पड़ेगा मुझे, फिर परसों से मुझे ऑफिस है और कल तक का टाइम है मुझे, कल रुकने का कोई मतलब बन नहीं रहा क्योंकि कल जो दिन भर अगर ट्रैवलिंग में बीत जाएगा तो फिर सोच रहा हूँ रात में ही निकल जाऊँ। देखते हैं जैसा कुछ घर मिलता है तो रात में निकल लूँगा, अदरवाइज फिर कल सुबह से निकल। लेकिन फिलहाल जो है काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसको विजिट करना जो पहुँच गया है, देखता हूँ अभी जाकर के वहाँ विजिट कर लेगा, उसके बाद फिर आराम से